जगन्नाथ पुरी के रहस्य जिन्हें देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैं आश्चर्यचकित। तो आज जानेंगे जगन्नाथ पुरी के रहस्य के बारे में, जहां से भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर की बनावट में आज भी ऐसे कई रहस्य छुपे हैं। यह मंदिर प्राचीन वस्तुकला वह शिल्प कला का अनूठा नमूना है। तो आइए विस्तार से जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जगन्नाथ पुरी के निर्माण और इतिहास से जुड़े अद्भुत रहस्यों के बारे में। नंबर वन, सुदर्शन चक्र। जगन्नाथ पुरी मंदिर के सबसे शिखर पर भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र मौजूद है। अष्ट धातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है और ये इस तरह से निर्माण किया है कि इसको पुरी के किसी भी कोने से देखा जा सकता है और किसी भी दिशा से देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि इस चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। नंबर टू, शिखर पर स्थित ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि मंदिर के शिखर पर स्थित ध्वज हवा के हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। ऐसा क्यों होता है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। ऊपर शिखर पर स्थित ध्वज का एक और रहस्य यह भी है कि मंदिर के पुजारी के द्वारा इस ध्वज को हर रोज 45 मंजिला उल्टा चढ़कर बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर किसी दिन भूलवश ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 वर्षों तक बंद कर दिया जाएगा। नंबर तीन, विश्व की सबसे बड़ी रसोई। श्री जगन्नाथ मंदिर में स्थित रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। इस रसोई में हर दिन 500 के करीब रसोइये और 300 के आसपास सहयोगी भोजन बनाते हैं। प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तनों को रखा जाता है और आपको जानकर हैरानी होगी, जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है उसमें भोजन सबसे पहले बनता है और फिर उसके नीचे वाले बर्तन में बनता है और जिस बर्तन में सबसे ज्यादा आंच पड़ रही है यानी कि सबसे नीचे, उसमें सबसे बाद में भोजन बनकर तैयार होता है। इस मंदिर की रसोई में बना प्रसाद कभी भी कम नहीं पड़ता, यहाँ कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन कभी भी यहाँ प्रसाद कम नहीं होता है। यहाँ पर रोजाना 20-30 हजार लोगों को प्रसाद मिलता ही है। इनकी संख्या चाहे लाखों तक भी बढ़ जाए पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद कम पड़ा हो। नंबर फोर, जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर नहीं बैठते हैं पक्षी। मंदिर व मस्जिदों के गुंबदों पर आमतौर पर पक्षियों के झुंड देखे जा सकते हैं, परंतु यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर के गुंबदों पर आपको एक भी पक्षी नहीं दिखेगा। इस मंदिर के ऊपर इर्द गिर्द भी नहीं उड़ते हैं पक्षी, यहाँ तक कि इसके ऊपर कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ते हैं। नंबर पांच, जगन्नाथ मंदिर की छाया नहीं बनती है, इसकी कभी कोई परछाई नहीं देखी जा सकती। यह दुनिया का सबसे ऊंचा और सुंदर मंदिर है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फीट है और यह 400,000 वर्ग फुट तक फैला भव्य मंदिर है। आश्चर्य की बात यह है कि इस मंदिर के गुंबद की छाया दिन के समय में कभी भी नहीं बनती है।
पॉइंट नंबर 6, यह मंदिर समुद्र तट के निकट स्थित है। इस मंदिर की एक विचित्र बात यह है कि मंदिर समुद्र तट के निकट होने के बावजूद मंदिर में प्रवेश करने के साथ ही समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई नहीं देती है। एक बार जब आप अपने कदम इसके सिंह द्वार में प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि समुद्र की लहरों की आवाज गायब हो जाती है, और जैसे ही इस द्वार से बाहर निकलोगे तो आवाज फिर दोबारा आने लगेगी। नंबर 7, जगन्नाथपुरी मंदिर में चलती है विपरीत दिशा में हवा। समुद्री तटीय क्षेत्रों में हवा लहरों की दिशा में चलती है, यानी हवा समुद्र से जमीन की ओर चलती है। विज्ञान के नियम के अनुसार भी ऐसा ही होना चाहिए, परंतु यहाँ उड़ीसा के पुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर चलती है। नंबर 8, मूर्तियों का निर्माण दोबारा किया जाता है। हर 12 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ी के लट्ठे की मूर्ति का निर्माण दोबारा किया जाता है और उनको पहली बनी मूर्तियों के साथ बदल दिया जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि नई मूर्तियां बनने के बावजूद इनका स्वरूप, आकार, रंग रूप, लंबाई, चौड़ाई सब कुछ एक जैसा ही रहता है। नंबर 9, जगन्नाथपुरी मंदिर के भ्रम पदार्थ का रहस्य। जगन्नाथपुरी मंदिर के रहस्य में आश्चर्यचकित कर देने वाला एक सबसे बड़ा रहस्य भ्रम पदार्थ का रहस्य है। भगवान जगन्नाथ व अन्य मूर्तियों को जब 12 वर्ष बाद बदला जाता है तो पूरे शहर में अंधेरा कर दिया जाता है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। मंदिर में अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर की सुरक्षा चारों तरफ से पुख्ता की जाती है और चुनिंदा पुजारियों की आंखों पर रेशम की पट्टियां बांधकर मंदिर में भेजा जाता है। इन मूर्तियों में से एक प्रकार का भ्रम पदार्थ निकाला जाता है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। उसको नई मूर्तियों में सावधानी पूर्वक स्थापित कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इस पदार्थ में इतनी ऊर्जा है कि इसको देखने वाला व्यक्ति अंधा हो सकता है और मर भी सकता है। वैसे किसी ने उसे आज तक देखा नहीं है। सदियों से यह प्रक्रिया चली आ रही है। द्रव्य भ्रम पदार्थ को स्थानांतरित करने वाले पुजारियों के अनुभव की माने तो उन्हें लगता है कि मानो कोई वे किसी जीवित चीज को हाथ में ले रहे हैं। वह पदार्थ किसी खरगोश की तरह फुदकता रहता है। कोई कहता है कि यह अष्ट धातु से बना कोई द्रव्य पदार्थ है और हिंदू धर्म में इसे भगवान श्री कृष्ण का हृदय भी माना गया है। तो ये थे कुछ जगन्नाथपुरी के आश्चर्य कर देने वाले रहस्य। तो फ्रेंड, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अब मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।